अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। तो ये मैंने चने थे मेरे 2 कप, इनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ तो अंकुरित हो गए। देखिए काफ़ी अच्छे, लेकिन ये अंकुरित वैसे कच्चे भी खाए जाते हैं। अगर इसमें मूंग या मोठ हो तो वो अंकुरित भी बहुत अच्छे रहते हैं वज़न कम करने वालों के लिए। वैसे भी नाश्ते में आप खाएं तो बहुत ही फ़ायदे के हैं, लेकिन ये मैंने कच्चे नहीं खाए कि कई बार बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है कच्चे खाने से। तो ये मैंने बॉयल कर लिए, हल्के से हल्दी डाल के इनको बॉयल कर लिया, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनकी चाट बनाते हैं और शुरू कर दिया। देखिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम आधे चने लेते हैं और इसमें हम डालते हैं सबसे पहले 1/4 चम्मच डाल रहे हैं पिक सॉल्ट, इसमें 1/2 चम्मच डाल रहे हैं चाट मसाला, और देखिए हमने हरा मसाला भी इसमें डालने के लिए बहुत सारा तैयार किया है। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये पुदीना है, ये पुदीना भी पेट के लिए बड़ा अच्छा रहता है, पचाने में बहुत सहायक होता है। और ये मैंने 5 से 7 हरी मिर्च थी, इनको बारीक बारीक कट कर लिया था, तो ये हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। और ये 1 टमाटर था, उसको रफली चॉप कर लिया था इस तरह, इसको भी डाल रही हूँ। और ये 2 प्याज थी मैंने, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया था, इनको भी डाल रही हूँ। और इसमें अभी ये 1/2 नींबू है, ये 1/2 नींबू मिला रही हूँ इसमें, मैं नींबू डाल रही हूँ, 1/2 और डाल रही हूँ। और देखिए खट्टे मीठे टेस्ट के लिए इसमें मैं थोड़ा सा खट्टा मीठा नमकीन है ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा आलू भुजिया है थोड़ी सी ये डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर आपके बच्चों को पसंद है आपको पसंद है तो डालें, वरना तो आप ये स्किप कर दें। अब इनको अच्छे से चाट वाले भैया की तरह इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए कितना शानदार हमारा ये मिक्स हो गया। आप नमक मिर्च आप सब कुछ अपने मतलब चाट के हिसाब से देख लें। जी, हमारी शानदार सी चाट बन के तैयार है और इसको हम सर्व कर रहे हैं खाने के लिए एक अलग बाउल में। इस पे अच्छे से प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। और देखिए थोड़ा सा डाल रहे हैं नमकीन, थोड़ा सा ये मीठा नमकीन, खट्टा मीठा। इसमें मूंगफली है, इतना मज़े का लगेगा खाने में, आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। देखिए ये मेरी बहुत अच्छी मज़े की चाट बनी है। अगर आपको मेरी चाट की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए और मेरे 100,000 सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।